अस्सलाम वालेकुम। तो अभी शॉप पे पहुंच गए, ओपन कर लिया। सर्दी इतनी है कि बस सर्दी है, हाथ पाँव जो है फुल ठंडे हो गए। पाँव तो नहीं हुआ, हाथ जो है फुल ठंडे हो गए। अंधेरा है, अभी थोड़ी देर बैठ जाते हैं फिर, क्योंकि बाइक पे आते हैं ना तो हाथ जो है ठंडे हो गए। हेलमेट पहना होता है और जूते भी हैं, तो यहाँ तो नहीं लगती ठंड, लेकिन सिर्फ हाथ ठंडे हो जाते हैं। बाइक चला लेते हैं, ग्लव्स लेंगे, ग्लव्स वैसे लिए नहीं है, किताब ले लेता हूँ टाइम निकाल के। और मुझे उम्मीद है कि तमाम व्यूवर्स जो हैं ठीक होंगे, और देखते हैं फिर। हाँ जी, तो जनाब मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो भी बना लें, कस्टमर भी आते रहेंगे, सर्दी भी है और काम भी होता रहे, और आज का व्लॉग भी बना लें, अपडेट भी बना लें। अब थोड़ा सा मैं ये लगा रहा था, मैंने कहा वीडियो बना लूँ, ये निम्बू लगा रहा था, ये जो है ना ज़्यादा चलती है, तो ये लगा दें। ये मिक्स निम्बू है और ये जो है ना ब्रीक वाली दाल है, और इसको जो है मेल फीमेल बच्चे सारे जो है बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ पे एक आइटम लगी हुई थी यहाँ पे, अब जो है वो ख़त्म हो गया, तो इसको मूंगफली को जो है इधर कर देते हैं, पीनट को। और ये रहा हमारा अखरोट, उसके बाद देखते हैं। ये सुपर केक भी ख़त्म हो गया है, और साथ में ही प्योर बिस्कुट, ये सामने ग्लूको भी और लगाते हैं, ये भी ख़त्म हो गया है। ये दो बिस्किट उतारे हैं, अभी बाकी उतारते हैं वो कैसे। अच्छा, तो हम बिस्किट लगाते हैं, ये मैं बिस्किट लगा रहा था, दूसरे भी उठाए हैं अभी, तो कस्टमर आ जाते हैं, कस्टमर के साथ फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। ये ग्लूको है 40 का, इसकी पैकिंग अभी चेंज हुई है, पहले थोड़ा सा इसका थोड़ा शेप चेंज, अब ये फुल गहरा हो गया है इसकी, ये वाला कलर ना साइज भी अच्छा है, और इसमें काफ़ी क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा इसमें होते हैं साइज़ के लिहाज से, और जो बंदा ये देखे ना तकरीबन 1 2 3 12 कम से कम तो होंगे इसमें बिस्किट, इसमें मकदार में ज़्यादा है बाकी बिस्किटों की नस्बत, और लोग भी इसे अच्छे से खाते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं इसे ग्लू को। और उसका 20 वाला भी पड़ा है हमारे पास, वो ये पड़ा टिकी पैक इसको कहते हैं। अच्छा जी, तो ये लग गया, उसके बाद प्रिंस। अच्छा, ये चटपटा नूडल ख़त्म थे हमारे ना लाल वाले, यहाँ पे लगाना है, ये साफ करके ना इसको थोड़ा सा मिट्टी है, इसको जब भी कोई न्यू आइटम लगाते हैं तो उसको साफ करके, ये गाड़ी पड़ी है किसी की, टॉयज में से निकली,
यहाँ पे जो है लाल वाले लगाते हैं। अच्छा जी, तो मैं थोड़ा मसरूफ़ हो गया था, एक सेलमैन आ गया था, ये पीस लगा रहा था, तो हम चटपटा नूडल लगा रहे थे कनौर के। ये सबसे ज़्यादा हमारे ये बड़े पैक हैं, फैमिली पैक, और ये छोटे चिकन वाले, और ये चटपटा है। चटपटा जो है ना, सबसे ज़्यादा जो है बच्चे भी खाते हैं, हर कोई चटपटा सबसे ज़्यादा पसंद करता है, चटपटा नूडल। अच्छा, नूडल की तो बात होती रहेगी, आज सर्दी है आज, तो बात मैं एक और बताऊँगा आपको आज की, कि आज हैप्पी न्यू ईयर हर कोई मना रहा है, लेकिन मुसलमानों के लिए जो है न्यू ईयर तब होता है जब इस्लामी महीने ख़त्म होते हैं, न्यू मंथ स्टार्ट होता है, न्यू साल ख़त्म होता है, फिर स्टार्ट होता है। कुछ लोग मना रहे हैं, लेकिन इस्लाम में ये नहीं है। तो अभी बंदा कह रहा था, कहता है उतनी आतिशबाजी नहीं हुई जितनी के पहले होती थी। मैं चुप हो गया, मैंने कहा अब क्या कहूँ इसको, क्योंकि जब मुसलमान हैं ही मुसलमान, तो हमारा हैप्पी न्यू ईयर किस बात का, बस थोड़ा सा वो उनको फॉलो करते हैं कि हाँ भी कैलेंडर उनका चल रहा है, सारा कुछ उनका चल रहा है, अक्सर जो चीज़ें आ रही हैं वो इसी डेट पे चल रही है ना, तो इस वजह से लोग कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन इस पाकिस्तान में ये नहीं होना चाहिए, इस्लाम में तो क्योंकि इसकी इजाज़त ही नहीं है। तो बंदा कहता है रात जो है यहाँ पे इतनी आतिशबाजी नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई है। मैंने कहा ये वो यूरोप और गैर मुस्लिम जो है मालिक में होती है, पाकिस्तान में इसकी इजाज़त ही नहीं है, पाबंदी थी। फिर रात जो है हुकूमत पाकिस्तान की वजह की तरफ से जो है ज़्यादा पाबंदी थी, फिर भी लोग कर रहे थे, वैसे इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो आज